वेलकम वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पीबीआर स्टडी के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार दुबंसी आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक टॉपिक लेकर के उपस्थित हूं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण। आज इसमें हम शामिल करेंगे, हमारे चैप्टर का नाम है एक चर राशि में रैखिक समीकरण। यहाँ जो शब्द आ रहे हैं उनका पहले हमें मतलब समझना होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एक वर्ड का हम मतलब समझेंगे। एक तो आप जानते हैं, एक मतलब इक्वल यूनिक। चर मतलब क्या होता है इसका हमें मतलब जानना है। चर अकेले नहीं, चर राशि, ठीक है ना। चर राशि क्या होती है इसका मतलब समझेंगे। रैखिक समीकरण क्या होता है इसका भी हम मतलब समझेंगे। आपसे हमारी विशेष रिक्वेस्ट है, इस क्लास को अगर आप 5 मिनट देख लेंगे आप इस टॉपिक को कभी लाइफ में नहीं भूल पाएंगे। मैं रटाने वाला काम नहीं करता हूं, पढ़ाता नहीं, सिखाता हूं। आप लोग देखते होंगे ये मैं किसी स्वाभिमान या अभिमान में नहीं बोल रहा हूं, घमंड में। ये मैं आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के साथ बोल सकता हूं जी, बिल्कुल दावे के साथ। चर राशि क्या होती है, रैखिक समीकरण क्या होता है, सिंपल सी बात है। आपने एबीसीडी पढ़ा होगा। एबीसीडी मतलब चार अक्षर नहीं, अरे भाई ए से लेकर के जेड तक। पहले गुरुजी आपको काम देते रहते होंगे, होमवर्क के लिए मुझे भी देते थे, है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ा एबीसीडी ना, यही क्या है, चर राशि है। एबीसीडी मतलब कि ए से लेकर के जेड तक का कोई भी लेटर अगर आता है तो वो चर राशि कहा जाता है। और चर राशि को इंग्लिश में वेरिएबल बोला जाता है। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि भाई ये चर वर क्या है, तो इसे वेरिएबल बोलते हैं। अगर मैंने एक्स लिखा, दिस इज वेरिएबल, वाई लिखा वेरिएबल, पी लिखा ये भी वेरिएबल, आर लिखा ये भी वेरिएबल, एस लिखा, जेड लिखा, टी लिखा, ओ लिखा, क्यू लिखा, कुछ भी लिखा, ये सभी चर राशि है यानी कि वेरिएबल है। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूं, वो कि अचर राशि क्या होती है ना। अचर राशि को इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। एक से लेकर के 100 तक, मतलब कि 100 तक क्या बोलूं, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, अनंत तक, क्योंकि गिनती तो 100 के आगे भी होती है। अगर कोई 101 लिख दिया तो क्या वो अचर नहीं होगी, वो भी तो होगी। तो ऐसे समझे, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी जो भी नंबर हम प्रयोग करते हैं वो कांस्टेंट होता है, यानी कि अचर राशि होता है। ये आप समझ गए होंगे। हम अभी समीकरण पे भी चलेंगे, ये लंबा वाला जो लिखा जाता है ना, ये सब भी करेंगे। लेकिन पहले बेस तो समझे ना, पहले दौड़ते नहीं है, पहले खड़ा होना जानते हैं। बच्चा जब आपने देखा होगा, आप भी बच्चे रहे होंगे, हम भी थे, पहले बच्चा पैदा होता है तो वो बैठ नहीं पाता है, पहले लेटा रहता हमेशा, है ना। उसके बाद कुछ दिन बाद वो पलटी मारना शुरू होता है और फिर शायद बैठने का ढंग सीखता है और उसके बाद खड़ा होने की कोशिश करता है, तब फिर चलता है धीरे धीरे अंगुली पकड़ के, वो भी किसकी, जगत जननी मैया जी की, है ना। उसके बाद तब वो दौड़ने की कोशिश करता है। तो आपको पहले इसमें खड़ा होना है, मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट पकड़ के समझना है, रुकना है, फिर दौड़ना है। ये नहीं कि बस हम क्लास शुरू किए, सवाल लिखे, फट से लगाए, खत्म। तब तो बहुत जगह आप पढ़ सकते हैं, बहुत से चैनल है, यूट्यूब पे कमी नहीं है, बहुत सी कोचिंगे भी हैं, है ना। तो ये हो गया चर राशि। अब बात ये आती है रैखिक क्या होता है, रैखिक समीकरण। रैखिक का तात्पर्य आपके दिमाग में आ रहा होगा सीधा, एकदम सीधा, है ना जी, लगभग ऐसे ही कुछ। रैखिक समीकरण जिसे इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, यही तो बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसका कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझ लीजिए, जिस समीकरण की अधिकतम घात एक होती है वो रैखिक समीकरण कहलाता है। अगर आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट करके बताइएगा निसंकोच, है ना। तो जैसे कि मैंने लिखा यहां पर ये x इज नॉट अ इक्वेशन, ये एक समीकरण नहीं है। लेकिन अगर हमने इसमें x बराबर 0 लिख दिया तो एक समीकरण हो गया शायद, है ना। और अगर मैंने लिखा x+1=0, ये एक समीकरण हो गया। लेकिन बात ये आती है, क्या इसकी घात 1 है, 2 है, 5 है, क्या है, कैसे जानेंगे इसी चीज को। तो हम यहां पे आपको समझा रहे हैं ना, तो पहले घात जानने से पहले हम एक चीज और जानेंगे, वो क्या है कि घात और गुणांक क्या होता है।
जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया 7x3। अब मैं अगर बोलूं इसमें यक्ष का गुणांक क्या है और यक्ष की घात क्या है, तो जल्दी से आप जो भी लोग जुड़े हुए हमारे मित्र 40, 50, 100, 200, 1,00,000, 2,00,000 जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो जल्दी से ये बताएं गुणांक क्या है घात क्या है। गुणांक को इंग्लिश में कोफिशियंट बोलते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं। मतलब समझिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ लीजिएगा, व्हाट इज पावर एंड व्हाट इज कोफिशियंट। भाई x की बात हो रही है तो x के जो बगल में है पड़ोसी, ये इनके बाएं भुजा में, वो क्या है गुणांक है, यानी कि 7 क्या है गुणांक है, और जो इनके खोपड़ी पे बैठे हैं ऊपर यानी कि चुरकी पे, वो क्या है ये घात है। घात मींस पावर, समझ गए ना। तो गुणांक और घात आप लोग समझ गए होंगे। अब जब आप गुणांक और घात समझ गए तो आप चर राशि समझ सकते हैं और रैखिक समीकरण भी समझ सकते हैं, बस आप काफी पास पहुंच चुके हैं। अगर इन सभी बातों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, गुणांक क्या है, घात क्या है, घातों का जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब प्रक्रिया कैसे होती है, तो आप जीरो लेवल की गणित की क्लास देखें सुबह 5 बजे भोर में, एक उम्मीदों की क्लास। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे छोड़ो यार सुबह सुबह कौन आंख फोड़े उठ के, तो एक बात जान लीजिए एवरेज में रहना है तो जो सब करते हैं वही करिए, क्योंकि दुनिया अक्सर भीड़ वाले रास्ते पे जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि जहां भीड़ जा रही है वो सही रास्ते पे ही जा रही है। तो इसलिए आप खुद बनाइए, खुद अपना रूटीन बनाइए, और कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। लोग बोलते हैं कि हम बहुत बोलते हैं क्लास में, लेकिन ये सब हमारे समझ से जरूरी होता है, इसलिए मैं बोलता हूं और इसलिए लाखों लोग इसको पसंद भी करते हैं, यानी कि लाइक भी करते हैं। तो हम चलते हैं रैखिक समीकरण पे। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये हमने लिखा एक्स इंटू एक्स धन एक, ये हो गया पहला समीकरण, ठीक है। दूसरा समीकरण हमने यहां पर लिखा हुआ है एक्स धन एक बराबर जीरो, इसमें भी अगर मैं जीरो लगा दूं तो कोई गड़बड़ नहीं। अब आप लोग बताइए समीकरण एक और दो में कौन रैखिक समीकरण है, जल्दी से कमेंट करके बताइए समीकरण एक और दो में कौन रैखिक समीकरण है। ऑप्शन आपके सामने जो है मैं यहां कोने में दिखा देता हूं। समीकरण एक रैखिक समीकरण है, दूसरा समीकरण दो रैखिक समीकरण है, सुनेंगे समझ में आएगा, नहीं तो मैं बहुत उर्दू राइटिंग में लिख रहा हूं। समीकरण एक व दो दोनों रैखिक समीकरण है, मतलब समझिएगा, छापिएगा मत, क्योंकि अगर आप चीजों को समझ लेते हैं तो खुद बना सकते हैं, खुद लिख सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं भाई जैसे जैसे लिख रहे हैं जल्दी जल्दी छाप दो, तो छापो मत बाबू, दिमाग में रखो बस, क्योंकि ये कॉपी नहीं काम देती एग्जाम में, बस यही काम देता है जो इसमें है खोपड़ी के अंदर। देखिए रैखिक समीकरण मैंने आपको बताया, ऐसा समीकरण जिसकी घात एक होती है, अधिकतम घात एक होती है, वो रैखिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए क्या इनकी घात अधिकतम एक है, नहीं है, क्यों? सेम वैसे जैसे आपके एक बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए है, दूसरे में 10,00,000 रुपए है। अब अगर आपकी इनकम जोड़ी जाएगी, आय वो आपकी जोड़, माफ करिएगा, आय जोड़ी जाएगी, मान लेते हैं कि आपके जो भारत सरकार है जायजा लेती कि आपके पास कितनी संपत्ति है, तो क्या एक अकाउंट के लिए कि दूसरे का छोड़ देगी, नहीं, पूरा इनकम काउंट होगा आपके पास कितना है कुल, है ना। तो वैसे अगर इनकी हम घात देखें तो ये अलग है, मान लो एक अकाउंट है, ये एक अकाउंट है, तो क्या हम इनको जोड़ेंगे, इनको नहीं जोड़ेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तब हम टोटल निकालेंगे, इनकी घात क्या है, इनकी पावर क्या है, इनकी इनकम क्या है, एक प्रकार से, समझ गए ना। तो पहले इनका गुणा करेंगे अंदर में, जो आएगा फाइनल तब समझेंगे क्या है, अभी हम नहीं कह सकते ये रैखिक समीकरण है कि नहीं है, समझ गए ना। जैसे अगर किसी घर में मान लेते हैं कमरे भर में कुछ बिखरा हो, एक प्रकार से पैसा हो, रुपया हो, या कोई भी चीज बिखरा हो, मान लेते हैं कोई खाने की सामग्री है, तो आप उसे ऐसे कैसे बता देंगे कि ये कितना है निश्चित रूप में, जब तक उसे एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करेंगे, नहीं बता सकते ना। तो ऐसे पहले इसको हम गुणा करेंगे, x का गुणा x में करेंगे तो x का स्क्वायर, x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो गया, और ये आपका देखिए सिस्टमेटिक हो गया। अब आप इसको निसंकोच बोल सकते हैं कि इसकी अधिकतम घात 2 है, यहां तो 1 दिख रही थी बट 1 छुपी थी ना बाहर, समझ गए, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात देखते हैं, बाकी एक घात तो इस पे है ही, बट अधिकतम घात 2 है, ये रैखिक समीकरण नहीं है।
इसको देखिए है कि नहीं है, आप भी बता दीजिए जी। है जी, बिल्कुल सही है आपका, लग रहा है बुद्धि खुल रही है। देखिए इसकी घात एक है ना अधिकतम, बाकी तो कुछ नहीं ना अगल बगल, इसमें कोई जुगाड़ तो नहीं कहीं से गुणा कर लूं, और एक को इसमें जोड़ नहीं सकते हैं कि जोड़ देंगे घात दुई हो जाएगी, नहीं जुड़ेगा वो। जैसे मैं एग्जांपल बताया था कि तेल में कभी पानी नहीं मिल सकता है, पानी में अगर आप तेल या तेल में पानी डालेंगे तो अलग अलग दिखेगा दोनों, वैसे सेम टू सेम है। तो इसकी अधिकतम घात एक है, अतः ये क्या है, रैखिक समीकरण है, यानी कि लीनियर इक्वेशन है। उम्मीद करते हैं आप पहचान गए होंगे रैखिक समीकरण क्या होता है, अगर नहीं पहचाने हैं तो निसंकोच कमेंट करिए, आपको बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सब कुछ क्लियर होगा, और आपकी लाइव क्लास बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली है, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। देखिए जितनी क्लास छोटी होती है उतना ही टॉपिक आपका क्लियर होता है, इस बात को याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा 10 मिनट की क्लास है 20 मिनट की है तो भाई क्या बताए होंगे, लाइव क्लास में बातचीत ज्यादा होती है, क्लास कम चलती है, इसमें ज्यादा क्लास चलती है। तो रैखिक समीकरण आप पहचान गए होंगे, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, हम आपको होमवर्क देंगे सेम टू सेम वैसे जैसे आप याद करें अपना बचपन का दिन, है ना। तो आपने वैसे बचपन में एक सॉन्ग भी सुना होगा, जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, जी बिल्कुल किसी को नहीं मालूम। अब आप लोग होमवर्क लेकिन जल्दी से लिख लें फटाफट, जो भी हम होमवर्क दे रहे हैं उसको आप लोग करके और व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, अक्सर बहुत से हमारे फ्रेंड्स लोग जो हैं वो भेजते भी हैं। आपको क्या बताना है, देखिए टॉपिक कौन रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, देखिए भाई मार्कर नहीं चल रहा है। तो और पहला सवाल जो आपके सामने है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल जीरो, दूसरा सवाल आपके सामने है, देखिए ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन है सब अलग अलग, एक्स इंटू एक्स धन एक धन तीन। एक सवाल और है आपके सामने, वो कह रहा है दो इंटू एक्स धन एक, और चौथा जो सवाल है वो है तीन एक्स का स्क्वायर और यक्स, और ये पांचवा सवाल है, ये आप सभी के लिए होमवर्क है, बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए, होमवर्क नहीं करेंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपके माननीय प्रधानमंत्री जी भी होमवर्क करते हैं, समझ गए ना, होमवर्क सभी को करना चाहिए, इससे प्रैक्टिस होती है। y इंटू वाई धन एक और ये x का क्यूब इंटू x प्लस वन, और ये भी है तीन एक्स और तीन धन एक, आई नंबर है तीन एक्स घाते सात x धन पांच। बहुत से लोग बोलते हैं भाई बहुत सारा होमवर्क दे देते हैं आप, एक सवाल गलत है, ये यहाँ पे एक्स ही, ये तो सही था भाई, एक्स ही एक्स होगा, मतलब एक चर राशि में हो रहा है ना, तो अगर किसी सवाल में एक्स और वाई दोनों आ जाता है तो वो इस फैमिली का नहीं है, क्योंकि एक्स होगा तो एक्स ही होगा, वाई होगा तो वाई ही होगा, समझ गए ना। कोई भी कंफ्यूजन है निसंकोच बोले, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना अभी हम मिटा देंगे तो आप देखते रह जाएंगे, या फिर वीडियो को स्क्रीन पर टच करें रोक लें। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में देख रहे हैं तो कृपया सेटिंग अवश्य चेंज कर लें, जिससे कि आपको क्लियरली ये समझ में आए। ऊपर नंबर दिया गया, उन नंबरों पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और होमवर्क करके अगर आप लोग हमें भेजेंगे तो उम्मीद है कि आप पूरा समझ जाएंगे, और नहीं करेंगे तो फिर अपनी अपनी डफली अपना अपना राग सुने होंगे ना हिंदी में, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है ना, बिल्कुल अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। ये नंबर नोट कर लें 78438 32999 और 78438 33999। अगर आप लोग हर दिन रेगुलर क्लास करना चाहते हैं, इसी तरह से मजेदार क्लास में अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो स्पेशल क्लास अवश्य ज्वाइन करें, जिससे आपका कोर्स पूरा हो सके और एक जिम्मेदारी के तौर पर हम आपका कोर्स कंप्लीट करें, समझ गए ना। कोई कंफ्यूजन है निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की अपनी अन्य समस्या के लिए, यानी कि पढ़ाई से संबंधित बस, बाकी और ज्यादा समस्या नहीं, तो आप विजिट कर सकते हैं pbrstudy.com, इस पर विजिट करें, वेबसाइट पर आप अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। अगर इस वेबसाइट में कोई समस्या होती है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करें, इस नंबर पर संपर्क करें, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जिसका ईमेल आईडी है pbrstudy@
gmail.com। जी हाँ बिल्कुल निसंकोच आप कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम एनी वे एंड एनी वेयर, मतलब कभी भी किसी भी तरीके से और कहीं से भी। तो उम्मीद करते हैं आपकी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। जो लोग आप सवाल कर रहे होंगे उनका कमेंट्स आपको मिलेगा बाद में। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगर आपके दिमाग में दिल में कुछ बसा 1%, तो अगर कुछ भी नहीं बसा, आपको लगा कि फालतू के मैंने बकवास किया, तो इस क्लास को आप डिसलाइक कर दीजिएगा और अपने विचार कमेंट कर दीजिएगा। आपसे विशेष रिक्वेस्ट होगी कि आपको इस क्लास में कौन सी कमी नजर आई, क्या आपको बुरा लगा, ठीक है ना। तो बस फिर मिलते हैं एक नई क्लास एक नई उम्मीद के साथ आधे घंटे बाद। यानी अभी कितना बज रहा होगा भाई, ये थर्ड फोर्थ बैच चल रही है ना, फोर्थ बैच चल रही है। तो जी बिल्कुल, आज की क्लास जो है अब रात की सभी क्लास खत्म हो जाएंगी। कल सुबह 5 बजे फिर से मिलेंगे भोर में, यानी कि आपकी जीरो लेवल एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, और इस क्लास को शेयर करके जाइएगा अपने मित्रों में, जिससे कि आप तो पढ़े ही साथ साथ में अगला भी पढ़े। और हाँ, एक बात मैं और भी बता दूं चलते चलते, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, जा तो रहा था लेकिन मन नहीं कर रहा है, वो ये कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं इस क्लास को शेयर करूंगा अपने दोस्त को तो उसको भी आने लगेगा, ये कोई और पा जाएगा, वो ना पाए तो ज्यादा अच्छा है ना, ऐसा सोचते हैं कोई भी चीज हो। तो एक बात जान लीजिए, अगर पड़ोसी के दरवाजे पे उजाला होगा ना बाबू, तो आपके दरवाजे तक लाइट आएगी। अगर पड़ोसी के घर में कूड़ा सड़ेगा ना, तो आपके घर भी गंध आएगी। तो इसलिए कोशिश ये करें ना कि अगला का भला होगा तो आपका भी भला होगा। तो ऐसा करेंगे ना तो भारत एक नए दिशा और एक नई तरक्की पे जाएगा, और फिर आप सब समझ ही रहे, समझ गए ना। तो बस ऐसा मत समझिएगा, अगर पड़ोसी का घर जलाएंगे ना तो उसके घर से जो लपक है वो आपके घर में भी आएगी और आपका घर भी जलेगा। इसलिए ऐसी कोशिश करें कि भाई बगल वाले पड़ोसी पड़ोसन का भी नुकसान ना हो, समझ गए ना। तो थैंक यू फिर से एक बार, और इस क्लास को शेयर करके जाइएगा। अब मैं दोबारा से लौट के नहीं आने वाला हूँ, तुरंत मत सोचिएगा अभी फिर से आ जाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत।